हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से मिला और उसने उनको ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रदेश सरकार से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ मेडिपर्सन एंड प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई की जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि अगर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो एसोसिएशन को मजबूरी में कोई ठोस कदम उठाना पड़ सकता है। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी से मिले और उनको ज्ञापन सौंपा जिसमें सरकार से मांग की है कि आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ मेडिपर्सन एंड प्रॉपर्टी डैमेज एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने बताया कि पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है लेकिन जब तक फिजिकल असोल्ट ना हो तब तक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हमारी सरकार से ये मांग है और हम ये पूछना चाहते हैं कि सरकार उस दिन का इंतजार कर रही है जब कोई हॉस्पिटल में आए और अकेले बैठे डॉक्टर का सिर फोड़ के चला जाए। हिमाचल प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि अगर आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी ना हुई तो ऐसा ना हो कि एसोसिएशन को मजबूरी में कोई ठोस कदम उठाना पड़े। सरकार से हमने पहले भी मांग की थी कि हर एक हॉस्पिटल में जहां पर सेवाएं 24 घंटे सेवाएं दी जा रही है वहां पर सीसीटीवी कैमराज विद हूटर लगाए जाने चाहिए और पुलिस सिक्योरिटी तैनात की जानी चाहिए लेकिन ये काम अभी तक नहीं हो पाया है। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार किस वक्त का इंतजार कर रही है। जानकारी के अनुसार अभी तक पुलिस ने सरकारी कर्मचारी या अधिकारी के काम में बाधा डालने की धारा भी नहीं लगाई है जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर यही स्थिति रही तो चिकित्सकों का इस तरह से सेवाएं देना बहुत ही मुश्किल है। ये जो CSC मार्कंड में जो पिछले दिन घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक है और संघ इसका कड़े शब्दों में जो है भर्त्सना करता है, निंदा करता है और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से एक बार फिर से गुजारिश करना चाह रहा है, जो कि हमने 20 जून को उनके साथ मुलाकात में भी कही थी कि हमारे जो PSC CSCs हैं उनमें CCTV कैमराज विद हूटर्स लगाए जाएं और साथ में CSCO में एटलीस्ट सिक्योरिटी पर्सनल्स को तैनात किया जाए। हमने CCTV कैमराज इसलिए बोले थे ताकि वो दोनों की ही सेफ्टी के लिए बहुत ही जरूरी हैं, मरीज के लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। बाद में अगर किसी इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती हैं तो उसमें पुलिस को भी इसमें बड़ी जांच करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो हमारा अनुरोध है कि इस हमारी मांग पे जो सुरक्षा संबंधी हमारी मांग है और ये जो घटनाएं जो महिला चिकित्सकों के साथ रोज घट रही हैं पूरे प्रदेश में उससे एक भय का माहौल है और महिला चिकित्सक जो हैं जो कि आज संख्या में ज़्यादा बढ़ रही हैं उनको एक भय का वातावरण लगने की वजह से वो इन पेरिफेरल इंस्टीट्यूट में काम करने से कतरा रहे हैं। तो लोगों की भलाई के लिए, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए हमारी गुजारिश है कि CSC मार्केट में जो घटना हुई उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उसके लिए आज हमारा प्रतिनिधि मंडल बिलासपुर में ADM साहब से मिला है लेकिन उन्होंने कहा है कि आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि डॉक्टर साहब को कोई चोट नहीं लगी। तो क्या हम ये सवाल पूछना चाह रहे हैं कि क्या हम उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जो अभी पिछले दिनों असम में हुई या पश्चिम बंगाल में हुई? तो हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ आरोपी को गिरफ्तार किया जाए ताकि एक भयमुक्त वातावरण का वहाँ पे निर्माण हो सके, ताकि डॉक्टर जो हैं वो खुले दिल से और भयमुक्त होके जो है अपनी सेवाएं मरीजों को दे सकें।